आसमा की वजह से टूटा कन्नू का रिश्ता आखिर क्यों नहीं आसमा ने मांगी माफी क्यों बदल गया है आसमा का व्यवहार चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूले कलर्स टीवी के शो उड़ारिया के आने वाले एपिसोड में जैसा की हमने देखा की आसमा बदल गयी है आसमा का बिहेवियर बदल चुका है और वह घर में आए लड़के वालों के साथ बदतमीजी करती है आसमा की बदतमीजी को देखने के बाद लड़के वाले डिसाइड करते हैं कि वह इस घर में कोई रिश्ता नहीं करना चाहते घर वालों को बार बार आसमा से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि आसमा को माफी मांग लेनी चाहिए अरमान के घर वाले कहते हैं कि आसमा दूसरों की गलतियों पे जब माफी मांगती है और आज जब उसकी खुद की गलती है तो वह माफी क्यों नहीं मांग रही है आसमा शांत है उसे पछतावा नहीं है कि उसकी वजह से कन्नू का दिल टूट रहा है कन्नू का रिश्ता टूट जाएगा कन्नू भी आसमा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए इशारे में कहती है कि प्लीज माफी मांग लीजिए लेकिन आसमा किसी से भी माफी नहीं मांगना चाहती है वहीं अरमान भी आसमा पर गुस्सा है अब देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर क्यों बदल गया है आसमा का बिहेवियर क्या सच में आसमा ऐसी हो गई है या फिर आलिया कर रही है आसमा को कमजोर आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।